RBS DJ. सो फ्रेंड्स, देख लिया आपने कैसे मैंने अपने फ़ोटो से व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाया है, तो आप भी ऐसे ही अपने फ़ोटो से स्टेटस वीडियो बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपने काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेता हूं फ्रेंड्स। और ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहां पे क्रिएट का एक कॉन्टैक्ट दिख रहा है आपको, तो क्रिएट न्यू पे हम टच करेंगे। और क्रिएट न्यू पे टच करने के बाद फ्रेंड्स, हम 9:16 वाला लेंगे, 9:16 वाला। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपके जो स्टेटस बनेगा वो आपके मोबाइल के फुल स्क्रीन पर स्टेटस चलेगा फ्रेंड्स। और अगर आप 16:9 वाला लेते हैं तो इससे आपके मोबाइल पे सिर्फ आधा वाला होगा, जो यूट्यूब वीडियो का जो साइज़ होता है वीडियो का, वही साइज़ में चलेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम 9:16 वाला लेंगे, ये वाला फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको जो भी अपने मोबाइल में फ़ोटो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 3, 4, 5 फ़ोटो, जितना भी फ़ोटो आपको लेना है इतना फ़ोटो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ़ोटो फ्रेंड्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप भी, आपको जितना फ़ोटो सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स कट वाले निशान पर टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो यहाँ से पहले से आ गया है। तो इस तरह से अब मैं यहाँ से आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है इसको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से छोटा कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे, ताकि जो 15 सेकेंड से व्हाट्सएप का जो ड्यूरेशन है वीडियो का 15 सेकेंड से कम होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ। इसको टच करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इसको पकड़ करके आपको थोड़ा सा डाउन करना है, तो ये वीडियो थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी भी वीडियो जो है 16 सेकंड का है, तो चलिए और हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कर दिया, ये 14 सेकंड का हो गया, 15 सेकंड का वीडियो हो गया। तो चलिए इस तरह से अब मैं आपको एक एक फ़ोटो करके पहले आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स, जिस टाइप से यहां पे फ़ोटो दिखा रहा है। सो ये वाला जो फ़ोटो है फ्रेंड्स, ये फुल स्क्रीन पे नहीं है, इसके लिए इसको हम टच करेंगे यहाँ से। और टच करने के बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये हाफ स्क्रीन फ़ोटो आ रहा है तो इसका स्टेटस सही नहीं लगेगा। तो इसको हम पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और जो नेक्स्ट फ़ोटो है इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे मोबाइल में जो है 4 फ़ोटो बचा है, और मैं इसी 4 फ़ोटो से वीडियो बना करके आपको दिखाऊँगा। इसके लिए यहाँ पे जो एक बार प्लस आइकॉन का निशान है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो प्लस आइकॉन का निशान दिख रहा है, इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे टच करना है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको 3D ट्रांजिशन का, तो आपको यहाँ से इस पर सिलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन पे फ्रेंड्स। तो चलिए इस पर हम टच कर लेते हैं, और देखिए सबसे ऊपर वाला जो लिखा है बाउंसी बॉक्स, हम इसको यहाँ से टच कर देंगे। टच करने के बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो आप इसको प्ले करके देख लीजिए, जैसे आप यहां से इसको प्ले करेंगे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं इस टाइप का इंटरफेस होकर फ़ोटो चेंज होगा। आपने देख लिया इस तरह से फ़ोटो चेंज होगा। इसके बाद सेकंड जो प्लस वाला आइकॉन है इस पर टच करेंगे, और फिर सबसे नीचे जाएंगे 3D ट्रांजिशन में, और उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन दिख रहा है, देखिए नीचे स्ट्रिप्स का है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर स्ट्रिप्स पे कर दिए। उसके बाद जो तीसरा प्लस का निशान है इसको भी हम यहाँ से टच करेंगे, और टच करने के बाद टच करने के बाद फिर से 3D में जाएंगे। 3D ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्रैक्ड ग्लास लिखा हुआ इस पर हम एक बार टच करते हैं, तो देखिए इस तरह का निशान, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चलिए हम ओके कर दिए फिलहाल आपको समझाने के लिए, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसे बैच चला करके देख लेते हैं ये कितना सही बना है।
सो फ्रेंड्स देख लिया आपने, इस तरह से ये आएगा। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लिप ग्राफिक्स का, देखिए। तो क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे, और क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है एवर्ड शो या हैप्पी क्रिसमस, तो आप यहाँ पे हैप्पी क्रिसमस पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो तीन ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप यहाँ से कोई भी खुल चेक ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया था एवर्ड शो से, तो मैंने एवर्ड शो ले लेता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह का दिखा रहा है, यहाँ पर ऐसा दिखाएगा इंटरफेस, तो आप इसमें से 1 2 3 4 5 कोई भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने यहाँ से 1 ले लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। आप यहाँ से टेस्ट पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, ऐसे ही आपको दिखाने के लिए फ्रेंड्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से जो आपको ये ए लिखा हुआ ये लेटर दिख रहा है, आप इसको जब टच करेंगे तो आप इसमें से जो भी आपको जैसा भी डिज़ाइन में लेटर चाहिए आप वैसा डिज़ाइन में लेटर ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रोबोट बोल्ड इटालिक का, तो हम इसको यहाँ से ये वाला ऑप्शन को हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया। तो चलिए हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नीचे टेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया, ये देख सकते हैं। लेकिन नीचे में एक टेस्ट अभी और बचा है, इसमें भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें भी लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग हैव ए नाइस डे। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया इस तरह से, आपको जो भी ठीक लगता है आप वहाँ से लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने कुछ भी आपको दिखाने के लिए लिख दिया, और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तब इस फोटो को चलाने के बाद आप देख सकते हैं ये कैसा इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। अब दूसरा फ़ोटो को हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, ये दूसरा फ़ोटो है। दूसरा फ़ोटो पर भी इसी तरह से हम क्लिप ग्राफिक्स पर जाएँगे, और क्लिप ग्राफिक्स पर जाने के बाद फिर से अवर्ड शो पर जाएँगे, और यहाँ से उस समय पहला क्लिक किए थे इस समय हम दूसरा क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक कर लेंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप टेस्ट में फिर से कुछ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से टेस्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे अभी खाली छोड़ देता हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और फिर इसी तरह से तीसरा फ़ोटो जो फ्रेंड्स है, तीसरे फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे, और तीसरे फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद से हम क्लिप ग्राफिक्स पर जाएँगे, और यहाँ से फिर से एवर्ड शो पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर तीसरा या चौथा जो भी आपको लेना है आप यहाँ से चेक करके ऐसे करके ले सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और आप यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक बार हम इसे चला के देख लेते हैं कि ये कैसा बना। तो सो देख लिया फ्रेंड्स आपने, ऐसा दिख रहा है। अब इसमें हमें म्यूजिक लगाना है, ताकि मैंने तो वीडियो जो है साइलेंट में दिखेगा, तो हम यहाँ पे एक म्यूजिक लगा देते हैं। म्यूजिक पे लगाने के लिए यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम ऑडियो पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा इस तरह से। आप यहाँ म्यूजिक में आपको यहाँ सारा ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ से एक हम कोई भी म्यूजिक को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाई नॉट का एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो हम इसको यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बजा के भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यही यहाँ से चूज कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ कट कर देता हूँ। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसको इस साइड स्क्रॉल करेंगे, और जो ये म्यूजिक है इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, और फिर इसको स्लाइड करके इधर ले आएंगे, और फिर इसको वीडियो को पूरी तरफ से इधर लाएंगे यहाँ पे पकड़ के, और फिर इसको एक बार जो म्यूजिक वाला कॉलम है फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से एक बार टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ट्रिम का, ये ट्रिम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ट्रिम टू राइट प्लेहेड, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यहाँ से कट के हट गया, और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद चलिए एक बार फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जो स्टेटस है सेम बना या नहीं बना। तो चलिए हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं।
तो फ्रेंड्स देख लिया मैंने सेम आपको स्टेटस बना के दिखा दिया, ये फोटो से स्टेटस आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक आपको कोने में ऑप्शन दिख रहा है ये डाउनलोड का, तो आप इसको यहाँ से जब प्रेस कर देंगे, क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ से सेव का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और ये वीडियो आपके डाउनलोड होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। सो फ्रेंड्स काइन मास्टर का जो ऐप का लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।